नमस्कार 150 गांव 150 खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कमर। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के हनुमान मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने मन्नतें पूर्ण होने पर पूजा सामग्री चढ़ाई। डूंगरपुर जिले के पुचपुर गांव के हिंगलाज माता मंदिर में 5 दिवसीय शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, इस दौरान ग्रामीणों ने समृद्धि की कामना की। डूंगरपुर जिले के गोल गांव में बंधन स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विश्व शौचालय दिवस मनाया गया, गांव में रैली निकालते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। डूंगरपुर जिले के सादड़िया में भाथी जी मंदिर में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। डूंगरपुर जिले के पनाली नया गांव में बिजली के पोल से करंट लगने से 2 भैंसों की मौत हो गई। बारां जिले के नारायणपुरा गांव के पास बाइक असंतुलित होने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारां जिले के छबड़ा में सीढ़ियों से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए बारां रेफर कर दिया गया है। बारां जिले के मुंडली भैरूजी गांव में मेन रोड के नवीनीकरण कार्य के चलते नाला हुआ चौक, जिसके कारण घरों में नाले का गंदा पानी पहुंच रहा है। बारां जिले के सीस वाले क्षेत्र में बेमौसम बारिश के बाद जिले में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बारां जिले के रायथल में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समय पर नहीं खुल रहा, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर जिले के लोसल में कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। सीकर के श्रीमाधोपुर इलाके के लाडपुर गांव में खो खो प्रतियोगिता का उद्घाटन खंडेला प्रधान गिरिराज सिंह ने किया। सीकर जिले के नीम का थाना इलाके के धांधेला में एक किराना की दुकान में आग लग गई, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सीकर के अजीतगढ़ इलाके के करडका गांव में उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह ने प्रशासन गांव के संग अभियान में लोगों को पट्टे वितरित किए। सीकर के रामगढ़ शेखावटी में सुरेंद्र कुमार ने अपनी बेटी की शादी से पहले बिंदौरी निकालकर बेटा बेटी एक समान होने का संदेश दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में 2 व्हीलर एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई, जहां कार्यकारिणी का विस्तार कर पंकज तिलिया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में अखिल भारतीय खटीक महासभा राजस्थान ने अध्यक्ष पद पर मुकेश कुमार खटीक को नियुक्त कर दिया। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई। बेगू क्षेत्र के जयनगर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बेगू के पूर्व विधायक सुरेश धाकड़ ने शिरकत की। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में कृषि कानून की वापसी पर जावजा में कांग्रेस ने जश्न मनाया, किसानों की जीत के रूप में विजय दिवस मनाया। नागौर जिले के मुंडवा में जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय संख्या 3 ने जनेवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नागौर जिले के मेड़ता से रवाना हुई सांझी वाल्ता यात्रा का नागौर पहुंचने पर बीजेपी विधायक मोहन राम चौधरी ने स्वागत किया। नागौर जिले के अमरपुरा में 65वीं राज्य स्तरीय छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच हनुमानगढ़ और अलवर के बीच खेला गया। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में रेसला की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, बैठक में पवन मांझू को दूसरी बार रेसला जिला अध्यक्ष चुना गया। नागौर जिले के रियाबाड़ी उपखंड मुख्यालय पर चिरंजीवी शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में 410 मरीजों की जांच की गई। नागौर जिले के पर्वतसर में आयोजित 14वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में रॉयल सैनिक स्कूल ने स्वामी विवेकानंद स्कूल को मात दी। नागौर जिले के मेड़ता बालाजी गौशाला में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गायों को लापसी खिलाई गई। बडलेश्वर महादेव मंदिर में देव दीपावली का पर्व दीपदान करके मनाया गया, इस मौके पर मिट्टी के दिए जलाकर देव दीपावली मनाई गई। देसूरी पाली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ। देसूरी जिले के पाली में आयोजित 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में जाट सभा की 8 टीमों ने हिस्सा लिया, फाइनल मैच में पनोता की टीम विजेता रही। पाली जिले के रानी में विधायक खुशवीर सिंह जोजावर की अनुशंसा पर आशापुरा में जोजावर तक बनेगी सड़क, ग्रामीणों ने जताया विधायक का आभार। फिलोवनी सरपंच किशोर सिंह राजपुरोहित की माता के निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर है। झुंझुनू के लोटिया गांव में पिकअप ड्राइवर का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसान नेता सजन पूनिया ने कहा, पीएम मोदी का अभिमान टूटा, किसानों की जीत। झुंझुनू महिला कांग्रेस अध्यक्ष तारा पूनिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के सामने झुककर तीनों काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। झुंझुनू जिले के जयपहाड़ी में जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने प्रशासन गांव के संघ शिविर का निरीक्षण किया। झुंझुनू के क्यामसर में श्रवण कुमार आलड़िया क्यामसर ने बेटी की बिंदौरी निकालकर एक मिसाल कायम की। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा गांव में बाल अधिकार सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को जानकारियां दी। बांसवाड़ा जिले के चिरावाला गढ़ा गांव में शिक्षकों ने बालिकाओं की बैठक ली, जहां बालिकाओं को जागरूक किया गया। बांसवाड़ा शहर के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में 1000 दिए लगाकर मंदिर की विशेष सजावट की गई। बांसवाड़ा जिले के मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में सीएम गहलोत ने उप जिला प्रमुख विकास बामणिया ने मुलाकात की। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में एक व्यक्ति के साथ रास्ता रोक कर मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले में कुर्जा पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी, कापराड़ा गांव में 5 मृत कुर्जा मिले, अब तक 200 के पार पहुंच चुका है पक्षियों के मरने का आंकड़ा। बिलाड़ा समेत आसपास गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, पानी के लिए महिलाएं भटकने को मजबूर, जलदाय विभाग नहीं दे रहा ध्यान। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर ब्रांड एम्बेसडर रतनलाल सागरा ने चलाया सफाई अभियान। जोधपुर जिले के बावड़ी में कृषि मंडी शुरू होने से पहले ही देखरेख के अभाव में जर्जर हो रही है। जोधपुर जिले के मथानिया में प्रशासन गांव के संघ शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। जोधपुर जिले के फलोदी में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में ग्रामीणों को मिलाकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जोधपुर के फलोदी में कुर्जा पक्षी की संख्या 20,000 से अधिक पहुंची, जिसे देखने के लिए देशी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। जोधपुर में शहीद मोहनलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, साथ ही विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला चढ़ दिया। करौली जिले के टोडा भीम में भामाशाह रामधारी मीना ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे। करौली जिले के टोडा भीम में केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने पर मुख्य चौराहे पर किसानों ने लगाया किसान एकता जिंदाबाद का नारा। करौली जिले के हिंडौन सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई, इस दौरान विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। हिंडौन सिटी के राजकीय विद्यालय में कृषि और जीव विज्ञान संकाय शुरू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। करौली जिले के हिंडौन सिटी में संजीवनी फाउंडेशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें संजीवनी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर जिले के राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चल रहा 2 दिवसीय चिंतन शिविर संपन्न हो गया। अलवर जिले के राजगढ़ में कुंड में नहाते समय पैर फिसलने से डूबा युवक, हादसे में युवक की हुई मौत। अलवर जिले के कालीखोल गांव को राजस्व में जोड़ने की प्रक्रिया तेज, वहीं एसडीएम प्यारेलाल ने कार का निरीक्षण किया। अलवर जिले के बहरोड़ में बीती रात को कुड़बी में लगी आग, दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। अलवर जिले के थानागाजी में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहां पर छात्रों ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। अलवर जिले के रामगढ़ में यूरिया खाद के लिए किसानों की लगी लंबी कतारें, खाद की किल्लत से किसानों का बुरा हाल। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में नगर पालिका बनने के बावजूद भी मोहल्लों में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अलवर जिले के खेड़ी में जैन मुनियों द्वारा शुक्रवार को चतुर्मास परिवर्तन किया गया। अलवर जिले के बहरोड अस्पताल में मरीजों से ज्यादा उनके परिजनों का जमावड़ा, जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा। अलवर जिले के बानसूर में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर जिले के बानसूर में बीती रात्रि को अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के रामगढ़ में गुरु नानक देव का 552वां प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। अलवर जिले के रामगढ़ में कार्तिक मास के समापन पर सनातन धर्म प्रेमियों ने भजन कीर्तन करते हुए कस्बे की परिक्रमा की।
केकड़ी में सरवाड़ तहसील में पटवारियों के पद रिक्त होने से किसान परेशान। सरवाड़ तहसील में कल कुल 40 पद खाली। मावट की बरसात होने से जनजीवन अस्त व्यस्त। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। अजमेर जिले के नसीराबाद में श्याम सखी महिलाओं ने 108 दीप जलाकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। अलवर जिले के नसीराबाद मिसिंग स्कूल में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नसीराबाद कैंटोनमेंट ने आमजन की परेशानी को देखते हुए रात्रि को पेयजल पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है। अजमेर जिले के सारवाड़ में मुख्य मार्गों पर गंदगी के ढेर से राहगीर परेशान। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। विजयनगर का 102वां स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी के महिपाल सिंह ने 27 मील चौराहे पर राव साहब की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। चुरू जिले के तारानगर में किसानों ने 3 कृषि कानून वापस लेने पर पटाखे जलाकर जश्न मनाया। चुरू जिले के बीदासर में नगर पालिका ने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए कस्बे में फॉगिंग करवाई। चुरू जिले के सरदारशहर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। सरदार शहर के हरदेसर गांव के पास सवारियों से भरी बस के पलटने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। चुरू जिले में मनीष शर्मा की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में धर्म प्रचारकों का सम्मान किया गया। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार किया। चुरू जिले के सुजानगढ़ में प्रशासन शहरों के संघ शिविर में विधायक मनोज मेघवाल ने 501 पट्टे वितरित किए। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में हिंदू जागरण मंच ने बंदर की गाजे बाजों के साथ शव यात्रा निकाली। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उप कारागृह में लगाया गया मेडिकल कैंप जहां बंदियों की स्वास्थ्य की जांच की गई। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं आरोपी के कब्जे से 2000 रुपये बरामद किए। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में टिटीवाल फिलिंग स्टेशन का विधायक जाट ने उद्घाटन किया। कोटा जिले में लगातार बारिश से खेतों में कटी पड़ी फसल पानी में डूब गई जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। कोटा जिले के मोई कला में सरपंच प्रदीप मेरूठा ने पंचायत कर्मचारियों के साथ मिलकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कोटा जिले के सांगोद में उजाड़ नदी पर बनने वाले रिवर फ्रंट का विधायक भरत सिंह ने शिलान्यास किया। कुंदनपुर में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से धान की फसल बर्बाद जिसके कारण किसानों की चिंता बढ़ी। कोलाना जागीर गांव तक डामर सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम राजेश डाका को ज्ञापन सौंपा। चौमू पुलिस ने फर्जी पट्टा बनाकर भूखंड बेचने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कृषि कानून वापस होने के बाद किसानों में खुशी की लहर है। चौमू नगर पालिका के बाहर आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। चौमू जिले के हरमाड़ा में विद्युत विभाग ने की कार्रवाई। अभियान चलाकर 4 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी। प्रशासन शहरों के संघ शिविर में 31 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए। चौमू जिले में कोरोना से 2.5 साल के मासूम की मौत। वहीं चिकित्सा विभाग ने 15 लोगों के सैंपल लिए। सिरोही जिले के गांधीनगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच जारी। सिरोही जिले के सिरोही में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर छोटी दीपावली मनाई गई। लोगों ने घरों के बाहर दीप प्रज्वलित कर आतिशबाजी की। सिरोही जिले के माउंट आबू में 48 घंटे से हो रही बारिश के बाद मौसम खुल चुका है।